आगाज करता हूँ अपने सफर का अल्लाह के बाबर के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ। ये वीरों ने लोगों को उनके घर में घुस करके मारा है। रख, रख तेरी माँ की रख। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। लेकिन अभी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान हमारे एयर स्पेस में आया, तो सर इन 20 सालों में क्या बदलाव आया है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग कारगिल, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू ऑन बालाकोट, दे डिड कम इनटू आवर एयर स्पेस। Now talking of reality, let me get to the bare bones what has happened. The LCA has been breached by us stealthily. Now the retaliation has come the next day in broad daylight. Right. Now pause, what it means is they were not deterred by us. This is a straight conclusion, which means that the Pakistan Air Force and the Pakistan state is not deterred and they come in broad daylight too and they breach our LC. We did not retaliate. So in the first instance, they were not deterred. In the second instance, we did not have A, the political will to retaliate, and B, we did not have the military capabilities to retaliate. अरे नेहा जी, सीधी बात करते हैं, किसी और तरफ बात को घुमा फिरा के नहीं कहते। ये अभिनंदर जी मेघ पे घुस गए थे पाकिस्तान की हदूद में, नौशेरा सेक्टर में, बोले मोदी जी की तरफ से तो आ गया है, हम जाएंगे चक्कर लगा के वापिस आ जाएंगे। उधर बैठे सूरमाओं ने पाकिस्तानी हदूद के अंदर ही मिग को उधेड़ के रख दिया और अभिनंदर जी उधर दरख्तों के भीतर छुपे हुए थे। सुना है उनकी भी अच्छी खासी सेवा की है पाकिस्तान के सूरमाओं ने। बाद में उन्होंने सारी उसको जन्म कुंडली अपने मुल्क की भी बता दी और मोदी जी की भी सारी जन्म कुंडली बता दी। रही बात चाय की, तो चाय वाला तो इधर मर रहा था साला, हमारे सूरमाओं को उधर उधड़वा दिया। मोदी की बातों में ना आयो रे मुल्क वाले हो, उधर पाकिस्तान के जो सूरमा हैं वो हमें उधेड़ के रख देंगे। तो मेरी यही आज्ञा है कि बच के रहियो बाबा, बच के रहियो। Not to respond was not an option. To respond was a compulsion. हमने उसकी प्लानिंग की सारा दिन, 26 का इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतजार करती रही, सारी रात 26 की इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतजार करती रही। हमने अपना चॉइस का टाइम चूज किया। इंडियन एयरफोर्स को बहुत हजीमत का सामना था, सिवाय उनके अपने मीडिया में, कि उन्होंने 20 जहाज आप लेकर आते हैं उसमें से सिर्फ 4 बॉम्ब फेंक सकते हैं और उसमें से एक भी टारगेट पे नहीं गिरता। स्पीक्स ऑफ एन अनप्रोफेशनल एयरफोर्स। इस मौके का फायदा लेते हुए आपको उसका एक प्रूफ दिखाता हूं। ये पहले हमने नहीं दिखाया कभी। हमने अपने पायलट को कहा कि वो इस हदफ से, इस हदफ की पूरी तस्वीर बनाए
अच्छी तरह से तस्वीर बनाए ऊपर से कंप्लीट, जिससे उसका कंट्रोल जाहिर होता है, और उसके बाद उसको अब हम कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल वेपन की वीडियो है उसके साथ। आप देख सकते हैं ये टारगेट इमेजरी है, ये तस्वीर एक्चुअल वेपन की तस्वीर है, और आप इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल क्लिप ऑफ द बॉम्ब विच इज बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस टारगेट। द पायलट वाज आस्क्ड टू टेक पिक्चर ऑफ द होल टारगेट विच इंडिकेट्स हिज फाइनल कंट्रोल ओवर द वेपन, एंड इन द एंड यू विल सी ही विल गाइड इट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, पहाड़ी के अंदर अनइनहैबिटेड जगह पे, और वहाँ पे इम्पैक्ट के वक्त यह वीडियो ख़त्म हो जाएगी। उन एनालिस्ट्स और उस नैरेटिव की ज़रूर तरदीद करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिस किए हैं अपने टारगेट, हमने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने टारगेट अचीव किए। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जर्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो कहते हैं हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादा ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। एक और झूठ जो उनका था, उन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज अभिनंदन ने गिराया, जिसके लिए उसको शायद तमगा दिया या शायद किसी और चीज के लिए दिया, मुझे नहीं पता। चारों मिसाइल इस वक्त हमने अपने पास रखे हुए हैं, कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको आके देखना चाहे तो दे आर अवेलेबल विद अस। Hello everyone. Pakistan tea is fantastic. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. Press the bell icon, select all for more videos.